पूरा उम्मीद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ने दो दो बार उनकी अपील पढ़ी है, दो दो बार ये पूरा केस सुप्रीम कोर्ट के सामने है। 10 महीना ट्रायल चला था जब उनकी अपील आई थी, रिव्यू भी उनकी खारिज हुई है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आज उनकी याचिका खारिज होगी और 22 तारीख को उनको फांसी होगी 7 बजे और निर्भया को 22 तारीख को इंसाफ मिलेगा। मैम, कोर्ट के फांसी देने के बाद भी उनके पास इस तरह के ऑप्शन खुले हुए हैं कि वो स्टे लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, या अभी मतलब कई बार क्या होता है कि ऐसे केसों में जो फांसी जिनको मिल जाती है दोष करने के बाद, अपराध करने के बाद, फिर वो उनके पास रास्ता होता है कि वो राष्ट्रपति के पास भी जा सकते हैं या स्टे लगाने स्कूल, ऐसे जो रास्ते हैं क्या वो रास्ते बंद नहीं होने चाहिए इस तरह के? बिल्कुल बिल्कुल बंद होने चाहिए, क्योंकि इतने रास्ते खुले हुए हैं कि इसमें विक्टिम परिवार का कुछ अधिकार ही नहीं है, विक्टिम का अधिकार ही नहीं दिखता। जहां जाओ उनका अधिकार खड़ा हुआ, उनका मानव अधिकार खड़ा है, तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए।